पीपल, अंकिता किचन टीवी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज जब मैं इस स्टेट के बारे में रेसिपीज वगैरह सर्च कर रही थी ना, तो मुझे तो लगा था यहाँ की सिर्फ काजू की बियर ही फेमस है, बट मुझे नहीं पता था यहाँ पे लोग सब्जी में भी काजू इतने अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अगर अब तक भी आप स्टेट नहीं गेस कर पाए हो ना, तो रुकिए मैं आप लोग को बता देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ गोवा की। इस सीरीज के फिफ्थ डे पे हम लोग गोवा की फेमस अलसाने काजू तोनक की रेसिपी बनाने वाले हैं। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा, बिकॉज मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ढूंढा समझा, पर मुझे जो समझ में आया मैंने वही बोला। तो चलिए इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाना शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको राजमा और काजू को कम से कम 3 से 4 घंटे पहले ही भिगो के रख देना होगा। ऐसा करने से ये दोनों चीजें बढ़िया से फूल जाएंगी। अब हम राजमा को उबालने के लिए कुकर में डाल देंगे। इसको उबालने से पहले 2 से 3 पानी मैंने अच्छे से धो लिया था। अब मैंने ये एक मीडियम साइज के प्याज को ऐसे काट के लिया हुआ है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और फिर हम जितना मतलब पानी रिक्वायरमेंट है 1 से 2 कप के लगभग, उसको इसमें डाल देंगे। और ये कुकर का ऐसे ढक्कन लगा के इसको 2 से 3 सीटी लग जाने देंगे, जब तक राजमा एकदम बढ़िया से उबल ना जाए। चलिए जब तक ये राजमा पकता है और कुकर की स्टीम खुलती है, हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो इसमें ना ग्रेवी में हमें कच्चा नारियल डालना होगा, वो भी घिसा हुआ। तो उसके लिए मैंने ये कच्चा नारियल ले लिया था। अब मेरे पास वो जो लोग साउथ इंडियन लोग यूज़ करते हैं ना, वो वाला तो हसुआ है नहीं जिससे हम उसको ग्रेट कर सकते हैं, तो मेरे पास ये ग्रेटर था, मैं इसी से इसको बढ़िया से ऐसे ग्रेट कर लूँगी। ये नारियल भी मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। चलिए अब हम मसाला बनाना शुरू करते हैं। मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है, तो उसके लिए मैंने ये पैन गरम होने के लिए रख दिया था। अब इस पैन में हम डालेंगे ये खड़ा धनिया, काली मिर्ची, लौंग, जैवित्री, ये चक्री फूल, बड़ी इलायची, ये मैंने जैफर को थोड़ा सा ऐसे तोड़ के लिया हुआ जिसको हम नटमैग भी कहते हैं, ये दालचीनी, सौंफ और ये लाल मिर्ची। इन सब को हमें चला के थोड़ी देर के लिए भून लेना होगा। जैसे ही इन खड़े मसालों को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो जाएंगे, सबसे आखिरी में हम इसमें ये खसखस भी डाल देंगे जिसको हम लोग पॉपी सीड भी कहते हैं। इसको एंड में इसलिए डाल ली हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं ना, तो ये जल सकते हैं, इसलिए मैं इनको एंड में डाल के इनको रोस्ट कर लूँगी। ये सारे मसाले एकदम बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सारे खड़े मसालों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम उसी पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे और तेल को गर्म हो जाने देंगे। तेल के गरम होते ही मैं इसमें ये मतलब मीडियम साइज़ के 2 या 1.5 मैंने प्याज को ऐसे लंबा लंबा स्लाइस किया था, उसको इसमें डाल देंगे और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक ये बढ़िया से एकदम रेड रेड ना हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेगा, आप इसको ऐसे ही चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लीजिएगा। आप देख सकते हो ये प्याज कितने बढ़िया तरीके से भुन गए हैं, इनमें कितना बढ़िया सा लाल रंग आ गया है। अब हमने जो नारियल को ग्रेट करके रखा था ना, उसको भी इसमें डाल देंगे और इसको भी चला के कम 2 से 3 मिनट के लिए पक जाने देंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से भुन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाने देंगे। मसाले ठंडे हो गए थे तो अब हम इन्हें मिक्सर जार में डाल देंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने खड़े मसालों को भून के रखा था उसको भी इसमें डालेंगे और ये जो हमने नारियल और प्याज को एक साथ भुना था उसको भी इसी में डाल देंगे और इसको बढ़िया से चला के पीस लेंगे। ये देखिए ये मसाला पिस के रेडी हो गया है। मैंने ना इसको पीसते समय थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि ये ढंग से पिस नहीं रहा था, तो आप भी अगर इस मसाले को पीसिएगा ना तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा। अभी ये मसाले को साइड में रखते हैं और अगले प्रोसेस में चलते हैं। ये देखिए इधर ये राजमा भी उबल के रेडी हो गया है। मैंने इसको हाथ से प्रेस किया, ये देखिए कितने ईजिली प्रेस हो जा रहा है। तो बस अब चलिए जल्दी जल्दी इस सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और जो अभी हमने राजमा उबाला है ना उसको इस पैन में डाल देंगे और फिर जो हमने काजू भी फूलने के लिए रखे हुए थे ना उसको भी इसमें डालेंगे। इन सब को चला के थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो इसका जो पानी है वो बॉयल होने लग गया है। तो हमने जो मसाला प्रिपेयर करके रखा था ना उसको भी इसमें डाल देंगे और बढ़िया से इसमें ऐसे मिक्स कर लेंगे। मसाला इन सब में अच्छे से मिक्स हो गया और आप देख सकते हो ये कितने बढ़िया तरीके से बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे, फिर जाएगा इसमें ये स्वाद अनुसार नमक और इसको चला के बढ़िया से इसमें मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इनको ऐसे ही पकाने के बाद अब हम इसमें ये इमली का पल्प डाल देंगे और उसको भी इसमें ऐसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर तक हमने इसको पका लिया है। अब हम ना इसमें ये 1/2 इंच के लगभग गुड़ को ऐसे थोड़ा थोड़े छोटे पीसेस में तोड़ के इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। इससे ना जो हमारा इमली का खट्टापन होगा ना वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा।
अगर आप चाहो तो मतलब इसको अवॉइड भी कर सकते हो, ये टोटली ऑप्शनल है। गुड़ डालने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट तक और पका लिया है और यह हमारा अलसाने काजू तोरक बनके रेडी हो गया है। बस इसको ऊपर से हम ऐसे धनिया की पत्ती से गार्निश करेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये हमारी रेसिपी बनके रेडी हो गई है। चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं। मैंने आज तक इस रेसिपी को कभी भी ट्राई नहीं किया था, तो मैं इसको ट्राई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। अगर आप इसको राइस के साथ सर्व करोगे ना, तो सच बताऊँ बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो इसको आप ट्राई करिएगा और खाके बताइएगा मुझे कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप जब आप नेक्स्ट टाइम आप गोवा घूमने जाओगे तो वहाँ की बियर के अलावा आप ये सारी रेसिपीज भी ट्राई करोगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और खूब सारे कमेंट्स करिएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी, मेरी ये पूरी सीरीज आपको कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।